हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपके लिए रेगुलर बेसिस पर नए नए मेडिसिन की जानकारी लेकर आता रहता हूं, ताकि आप तक किसी भी दवा की सही जानकारी पहुंच सके। तो आज मैं इस वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उस मेडिसिन का नाम मेटोपार टैबलेट है। दोस्तों, मेटोपार टैबलेट को एरिस ऑकनेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है, और ये टैबलेट 15 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप में आती है, जिसका मार्केट प्राइस 44 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, मेटोपार टैबलेट मुख्य रूप से दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनाई गई मेडिसिन है, जो आपको किसी भी केमिस्ट के यहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में मेटोपार टैबलेट के होने वाले यूज़ और बेनिफिट्स, इसके डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, एंड हमेशा की तरह उन दवाओं के बारे में भी जानेंगे जिनके साथ मेटोपार टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि मेटोपार टैबलेट मुख्य रूप से दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनाई गई मेडिसिन है, जिसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम और मेटोक्लोप्रामाइड 5 मिलीग्राम के कंटेंट्स में शामिल होता है। फ्रेंड्स, पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्लास की मेडिसिन है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसी भी वजह से होने वाले दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। और जहाँ तक मेटोक्लोप्रामाइड की बात है, तो दोस्तों ये साल्ट एसिटेल कोलाइन के डिस्चार्ज को बढ़ाता है। साथ ही साथ मेटोक्लोप्रामाइड पेट और आंत से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के साथ साथ हार्ट बर्न के लिए शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के रूप में यूज होता है, क्योंकि हार्ट बर्न का ट्रीटमेंट होने से पेट में पाए जाने वाले एसिड से इसोफेगस को होने वाला नुकसान बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि मेटोपार टैबलेट में पाए जाने वाले ये दोनों साल्ट के कॉम्बिनेशन से किस तरह के दर्द को ठीक किया जाता है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन मुख्य रूप से माइग्रेन की समस्या से राहत पाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस कंडीशन में मरीज के सिर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। ये दर्द सिर के दोनों हिस्से या एक तरफ भी हो सकते हैं, जो काफ़ी तकलीफ पैदा करते हैं। कुछ कंडीशन में फ्रेंड्स, माइग्रेन का दर्द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और कुछ कंडीशन में बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन भी माइग्रेन के कारण बन सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिंग सब्सटेंस होते हैं, वही हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं कि आपको इस जगह दर्द हो रही है, और ये मेडिसिन दर्द के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने से ब्लॉक करती है और उन केमिकल को भी रोकती है जो माइग्रेन के कारण होते हैं। इसके अलावा हेडेक यानी सिर का दर्द, सर्वाइकल पेन यानी गर्दन के पिछले हिस्से में होने वाले दर्द में भी ये दवा काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ बुखार और बदन दर्द को ठीक करने के लिए भी मेटोपार टैबलेट काफ़ी यूजफुल होता है, और साथ ही साथ सिर दर्द के साथ साथ उल्टी और चक्कर आने की समस्या में भी मेटोपार टैबलेट काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। अब फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस दवा के डोज की, तो जनरली इसे खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट रात को लेने के लिए एडवाइस किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसे दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू एज, वेट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में इस दवा से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेटोपार टैबलेट के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर गैस, कब्ज, गला सूखना और स्किन रैशेज की समस्या देखे जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इसके अलावा कोई और अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको दिखे तो दवा को फौरन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें। एंड अगर प्रिकॉशन की बात करें, तो इसे वैसे पेशेंट जिन्हें लीवर की गंभीर बीमारी हो, या ड्रग एलर्जी हो, या पार्किंसन डिजीज़ हो, या किडनी की कोई गंभीर बीमारी हो, तो ऐसे पेशेंट को इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए वीडियो के इस सेक्शन में उन दवाओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनके साथ मेटोपार टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन्स मेटामिजोल, लाइडोकेन, क्लोजापिन, आइसोनियाजिड, डाइजीपाम
और क्लोनाजिपाम के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ मेटोपार टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मेटोपार टैबलेट के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे।